दोस्तों पंजाब रेड क्रॉस वालों बख बख चार मैडिकल स्टोरों वास्ते बख बख पोस्टों लिए नोटिफिकेशन जारी करता गया जी। दोस्तों एज लिमिट की होगी, क्वालिफिकेशन की होगी, सैलरी की जब किमें अप्लाई करना, सारी जानकारी डिटेल से देंगे। कृपा करके वीडियो में लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुम मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करने के बेल आइकन प्रेस करके छड़ दिओ जी। दोस्तों पंजाब स्टेट भी जो भी कोई निक्की मोटी भर्ती आए या कोई अपडेट आए उसकी जानकारी सब तो पहले तुम्हें मिल सके। चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी रिक्वेस्ट है जी, वीडियो चंगा लगा लाइक शेयर जरूर कर दिया जी। दोस्तों वीडियो लाइक कर दिया करो जी, लाइक करना मैंने मोटिवेशन मिलता जी, मैं थोड़े लिए होर वधिया तो वधिया वीडियो लैके हाजिर हो सका। रैड क्रॉस हस्पताल अपलाई शाखा फरीदकोट वालों चार मैडिकल स्टोर चलाए जा रहे हैं। इन मैडिकल स्टोर विच हेठ लिखिया असामिया नूं बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस से अर्जी तौर पर भरिया जाना जी। जो योग उम्मीदवार ने चाहवान ने जी अप्लाई जरूर कर जी। पोस्ट एंड डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। नंबर एक जी मेडिकल स्टोर रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर GGS मेडिकल कॉलेज हस्पताल फरीदकोट, ये पोस्टा अनाउंसमेंट की गई ने जी। मैनेजर कम फार्मासिस्ट की पोस्ट है जी, एक फार्मासिस्ट दी पोस्ट है जी, दो सेल्समैन दी पोस्ट है जी, अठ कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है जी एक। नंबर दो जी रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर सिविल हस्पताल फरीदकोट, ये पोस्टा अनाउंसमेंट की गई जी, फार्मासिस्ट की एक जी, सेल्समैन दी दो पोस्टा जी तुम अपलाई कर सकते हो जी। और नंबर तीन जी जन असोधी जनरिक ड्रग स्टोर सिविल हस्पताल फरीदकोट वास्ते पोस्टा अनाउंसमेंट की गई जी, पोस्टा ने जी फार्मासिस्ट दी दो ने जी, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है जी एक। नंबर चार जी सिविल हस्पताल कोटकपुरा वास्ते पोस्टा अनाउंसमेंट की गई जी, पोस्ट नंबर एक जी फार्मासिस्ट की पोस्ट है जी एक, सेल्समैन दी पोस्टा ने जी दो, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है जी एक। अते एक पोस्ट अनाउंसमेंट की गई है जी अकाउंटेंट कम सुपरवाइजर दी। इन्हां चार मैडिकल स्टोरों विच पोस्टां नूं भरिया जाना जी, जो योग ने चाहवान उम्मीदवार ने अप्लाई कर सकते हैं जी। दोस्तों इन्हां पोस्टां लई क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार होगी। पोस्ट नंबर एक जी मैनेजर कम फार्मासिस्ट की पोस्ट है जी एक, क्वालिफिकेशन है डी फार्मेसी तुसीं कंप्लीट की आ, घट्टो घट्ट 5 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है, उम्र सीमा जी 21 तो लैके 37 साल के विचकार ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਨੰਬਰ 2 ਜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 6, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਜੀ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਨੰਬਰ 3 ਜੀ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 12, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ BSc नर्सिंग तुसीं पास की है, घट्टो घट्ट 1 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है, उम्र सीमा जी 21 तो लैके 37 साल के विचकार, तां तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। 15,000 रुपये प्रति महीना तनखाह दी जाएगी। पोस्ट नंबर 4 जी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है जी, टोटल पोस्टां ने जी 3, +2 तुसीं पास की है, घट्टो घट्ट 1 साल का कंप्यूटर कोर्स तुसीं कंप्लीट किया है, उम्र सीमा जी 21 तो लैके 37 साल के विचकार, तां तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। 15,000 रुपये प्रति महीना तनखाह दी जाएगी। पोस्ट नंबर 5 जी अकाउंटेंट कम सुपरवाइजर की पोस्ट है जी, पोस्ट है जी एक, क्वालिफिकेशन है जी BCOM तुसीं पास की है, दवाइया की फर्म के एक्सपीरियंस रखने वाले उम्मीदवार को पहल दी जाएगी, घट्टो घट्ट 3 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस होना चाहिए जी, उम्र सीमा जी 21 तो लैके 37 साल रखी गई है जी, 25,000 रुपये प्रति महीना तनखा दी जाएगी। नोट फार्मेसी वाले उम्मीदवार पास बैलेट पंजाब स्टेट फार्मेसी कौंसल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है जी, जिन्हों को सर्टिफिकेट है वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे जी। अप्लाई तुसी करना किवें है जी? दोस्तों प्लेन पेपर उपर कंप्लीट अपना बायोडाटा विद्यक योग्यता डॉक्यूमेंट्स वो लगा के आखिरी मिति है जी 2/6/2022 तक तुसी भेज देना जी। एड्रैस नोट कर लो जी, दफ्तर रैड क्रॉस सोसायटी रैड क्रॉस भवन सादिक चौंक फरीदकोट के एड्रैस से तुसी अपने डॉक्यूमेंट जाके जमा करा देने जी। आखिरी मिति तो बाद जो अर्जियां प्राप्त होंगी जी वो रिजैक्ट करती जाएगी जी। दोस्तों ना पोस्टों लिए इंटरव्यू 8/6/2022 सवेरे 9 बजे होगा जी, एड्रैस सेम है जी, उस एड्रैस से तुसी पहुँच जाना जी। प्रधान जी वालों असामिया की गिनती घटाया बताया जा सकता जी। इंटरव्यू दौरान असली डॉक्यूमेंट्स लेके आना जरूरी होगा जी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी। बिनेकार यह हदायत की जाती है कि तुसी ना दी ऑफिशियल वैबसाइट पर विजिट करते रहना है, जो भी कोई अपडेट की जाती है या कोई शोध की जाती है तो उसकी जानकारी सब तो पहले तुम्हें मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता मेरे तो वर्ती जानकारी तुम्हें चंगी लगी हो, वीडियो देखने से बहुत बहुत धन्यवाद।